चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। जी पापा, क्या? अच्छा रियली? नहीं नहीं पापा, मैं बहुत खुश हूँ। ओके हुदाफिज। जानू किसका फोन था? पापा का फोन था। इसका मतलब है मैं बैंक से पैसे ले आऊं? कौन से पैसे? जो पापा जी ने भेजे हैं। पापा जी ने तो कोई पैसे नहीं भेजे नबील। तो फिर फोन क्यों किया था उन्होंने? ओ, पापा ने बेताब को नई गाड़ी खरीद के दी है। क्या? हाँ। यार शर्म आनी चाहिए वैसे तुम्हारे पापा को, उनकी अपनी जाती बेटी टैक्सियों में घूमती है और उन्होंने अपनी जवान बीवी को गाड़ी लेके दे दी। मुझे पापा के पैसों की गाड़ी नहीं चाहिए नबी। अरे तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारे शोहर को तो चाहिए ना यार। तो मेरा शोहर खुद क्यों नहीं ले लेता गाड़ी? अरे खुद ही लूंगा ना जानू अपनी पसंद से, तुम्हारे पापा ने तो सिर्फ पैसे भेजने हैं। मेरे पापा थक गए हैं नबी तुम्हें पैसे भेज भेज कर। अरे बस कर दो खूबसूरत, तुम्हारे पापा ने आज तक मुझे दिया ही क्या है भाई? जहेज तक तो दिया नहीं था, शादी पे कोरमा खा के निकल गए थे काफी सारा। What? अरे असूलन तो उन्हें मुझे सोने में तोल देना चाहिए था। तुमने ऐसा कौन सा तीर चलाया नबी? अरे मैंने उनकी बेटी के दिल पे मोहब्बत का तीर चलाया जानू। बंद करो ये चीप डायलॉग्स, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे शर्म तो तुम्हारे पापा को आनी चाहिए, मैं कब तक उनसे पैसे मांगता रहूंगा? अरे उन्हें ससुर होने का खुद फर्ज निभाना चाहिए ना यार, बंदा ईद शब रात में कपड़े मिठाइयां वगैरह भेज देता है ना। लेकिन तुम्हारे पापा को बिल्कुल तमीज नहीं है कि घर दामाद का कैसे ख्याल रखा जाता है। शट अप नबील। It's not okay, जानू। ये आप दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? हम तुम्हारी एक दफा फिर बेइज्जती होते हुए देख रहे थे। हाँ आप देख रहे थे, मैं तो सुन रही थी। और छोड़े यार। पुत्र तेरा सुसर तो बड़ा घटिया आदमी है, उसे तेरा जरा भी रुमाल नहीं है। ख्याल? हाँ ख्याल। नबील मैं तो कहता हूँ तुम अपना सुसर बदल लो। ओ यार कैसे बदल लूं सुसर? पुत्र तो अपनी सास को बोल के दूसरी शादी कर ले। हाँ, जवान जहान है। ओ, बस कर दे माँ जी, मैं पहले 100-100 रुपए को तरस रहा हूँ। क्यों नबील, तुम आजकल सौदे में से पैसे नहीं मार रहे? नहीं मैं गुस्सा, मैंने फैसला कर लिया कि मैं सौदे में से पैसे नहीं मारूंगा। पुत्र वो क्यों? ओ यार उस दिन चांदी की दोस्त ने उसे पूछा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, चांदी ने बड़ी मासूमियत से कहा मेरे पापा सौदे में से पैसे मारते हैं। क्या? यार मैं मूसा भी ये कोई जॉब है यार बेइज्जती वाली? मामोसा मैंने को बड़ा काम कर रहे हैं लेकिन ये मोटा मुझे कोई बड़ा काम करने नहीं दे रहा। ना तो फिर तू करेगा क्या आज मल्लिक? करना क्या है माँ जी, उस मोटे के मरने का इंतजार करूंगा। मुझे तुम उस मोटे के मरने का करोगे वो इंतजार होगा? हाँ जी। अच्छा जी। वैशमशे। अब मामू जाओ जाके देखो कौन आया है। अरे कौन हो तुम लोग और ये किसकी परी उठा लाए हो? अरे हमारे घर में कोई शादी वादी नहीं हो रही, पिछली गली में हो रही है, आप लोग गलती से आ गए यहाँ। ओ ये बुलबुले वालों का घर है ना? हाँ। और तुम नबील हो ना? हाँ जी। बस तो फिर ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नबील मुझे लगता है तुम्हारे ससुर को ना गैरत आ गई है, ये सब कुछ उसने तुम्हारे लिए भिजवाया है। आपको यकीन है ये सब कुछ मेरे लिए है? ओ हाँ यार तुम्हारे लिए। हाय पुत्र तूने एमी रक्षंदा को इतनी बातें सुना दी हैं। हाँ माँ जी मैं अभी उसे सॉरी बोल के आता हूँ। पुत्र बता इसमें मेरे डब्बे कौन से? कोई सा भी नहीं। जानू क्या है नबील? आई एम रियली सॉरी जानू, मैंने तुम्हारे पापा को कितना गलत समझा। क्या जानू, पापा जी जैसा सुसर तो दुनिया में चराग लेके भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलेगा। What? यार मुझे क्या पता था कि पापा जी इतने जज्बाती हो जाएंगे कि मुझे ढेर सारे गिफ्ट भेज देंगे। कौन से गिफ्ट? आप बनो मत जानू, बाहर एक आदमी मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लेके आया, मुझे पता है वो पापा जी ने भेजे। पापा और तुम्हें गिफ्ट भेजेंगे? हाँ जानू। वो तो फोन पर तुम्हें गालियां दे रहे थे नबील। जानू प्यार में दे रहे होंगे, प्यार में, मुझे क्यों गिफ्ट भेजते? कहाँ है वो गिफ्ट? बाहर लाउंज में जानू। ओहो हो सकता है पापा ने मेरे लिए सामान भेजा हो, मैं देखती हूँ। ओ यार तुम्हारे लिए मतलब? क्या?
क्या भेजा है पापा ने मेरे लिए? ये तेरे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए? ये नबील भाई के लिए। देखा जानू, मैंने आपसे कहा था ना, पापा ने ये सब कुछ नबील के लिए भेजा है। ओ पापा ने नहीं, ये भाई ने भेजा है। भाई ने? भाई ने? जानू तुमने बताया नहीं तुम्हारा कोई भाई भी है। मेरा कोई भाई नहीं है। तो फिर कौन से भाई ने भेजा है? ये हमारे भाई ने भेजा है, राणा भाई ने। राणा भाई दुबई वाले। यार नबील, ये राणा दुबई कब गया? ओ भाई, हम किसी राणा भाई दुबई वाले को नहीं जानते। हाँ मैं जानती हूँ पुत्र, ये सारा सामान ना तुम्हें दे दे। ओए, कोई हाथ नहीं लगाएगा सामान को। भाई ने ये सिर्फ नबील भाई के लिए भेजा है। वो यार भेजा क्यों है भाई? और तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो ना, भाई से पूछना। भाई थोड़ी देर में इधर आ रहा है। अपने को ऑर्डर मिला था ये सामान इधर पहुंचाने का, वो हमने पहुंचा दिया। अभी हम चलते हैं। सलाम। वालेकुम सलाम। यार जानू, ये कौन सा भाई, यार क्या भेजा है इसने? ओए गोली मार भाई को, बोल के देख क्या है। ओए खबरदार, भाई के आने से पहले सामान खोलने का नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है अभी चलता है अपन। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मैं गुस्सा नहीं। पुत्र एहसानुल्लाह वल सनाउल्लाह, ये तो बड़े महंगे तोहफे लग रहे हैं। हाँ माँ जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा नबील कि तुम्हें क्यों कोई गिफ्ट भेजेगा। क्या हो गया तुम्हें जानू? बड़े फैन है दुनिया में मेरे, किसी न किसी ने भेज दिया होगा। तुझसे ज्यादा मेरे फैन है। यार नबील, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। अरे चेक करो, इसमें कोई बम बम ना रख गया हो। बम की आवाज तो नहीं आ रही महमूसा। ना बम कोई गाना गाता है जो इसमें से आवाज आएगी। बोल के देख। माँ जी आपने सुना नहीं था, वो बंदा कह के गया है कि जब तक भाई ना आ जाए कोई गिफ्ट को हाथ नहीं लगाएगा। अरे लेकिन ये भाई है कौन और कब आएगा? देखा नबील, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। यहाँ सब क्लियर है, यहाँ पर भी सब क्लियर है, यहाँ भी सब ओके। चलो फिर भाई को बुलाते। भाई नबील, भाई आ गया। शोशे भाई, एंट्री मारो, पहला कदम। अब यार डरो मत। ओ भाई पूरा माहौल बना दिया आपने और कह रहे डरो मत। अबे तेरे लिए इतने सारे गिफ्ट लाया हूँ और तू भाई से डर रहा है? रिलैक्स कर, चिल मार। थैंक यू भाई, पर ये सारे गिफ्ट आप मेरे लिए लाए? हाँ, तेरे लिए और किसके लिए? क्यों भाई, सिर्फ इसके लिए क्यों लाए हैं? मेरे लिए क्यों नहीं लाए? और मेरे लिए क्यों नहीं लाए? इन सबसे ज्यादा ना मेरा करेक्टर हिट है। ए, चुप करो तुम लोग, आवाज ना है मुझे किसी की। ये सारे गिफ्ट मैं इसके लिए लाया हूँ और दुबई से भी मैं इसके लिए ही आया हूँ। नबील, मुझे भाई की नीयत ठीक नहीं लग रही। और चुप करे महमूद साहब। भाई मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? अबे मेहरबानी कैसी, अब भाई है तू अपना, तुझे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा अपने प्राइवेट जहाज में। है भाई और क्या, याशी करेगा याशी। तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, तू बस एक बार बोल चाहिए क्या तुझे है? और यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे। भाई ये आदमी मुझे बड़ा तंग करता है। अच्छा जाए, लेके जा इसको, मुरम्मत कर इसकी। कोई नहीं माँ जी, ऐसे ही सुधरेंगे ये। चल फिर ठीक है। हाँ भाई और बोल। और अबे और बता क्या चाहिए तुझे? वो भाई मुझे वो गाड़ी चाहिए ना तुझे, वो तेरा ससुर तुझे गाड़ी नहीं देता। यार एक मिनट। हेलो, हाँ एक जरा चिकनी सी गाड़ी तो भेजो ये बुलबुले वाले घर में। हाँ भाई ठीक है। नबील जरा अंदर आना। जी चलो। भाई आप तशरीफ रखे, मैं ऐसे आया। आए आए इधर आए।
नबील, ये सब क्या हो रहा है? जानू, मुझे लगता है मेरे दिन फिर गए हैं। तुम्हारे दिन नहीं, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। वो आदमी तो मुझे इतना खतरनाक लग रहा है। जानू, मुझे क्या, मुझे तो याशे करा रहा है ना। नबील, कहीं ऐसा ना हो कि ये याशियां तुम्हें महंगी पड़ जाए। तुम मेरी खुशियों से जलती हो खूबसूरत, तुम्हारा बाप तो मुझे कुछ दे नहीं सका, अब वो भाई दे रहे तो तुम जल रही हो। भाई? हाँ जानू, हो सकता हूँ मेरा भाई हो, कुंभ के मेले में खो गया और दुबई पहुँच गया, वहाँ जाके उसने अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर ली हो। What? नबील भाई आ रहा है यार। नबील बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए क्योंकि मैं कह रही हूँ। अब बस कर, बड़ी बेइज्जती करती है तू मेरे भाई की। आइंदा अगर तूने उसकी बेइज्जती की या तूने उसे शट अप भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तो क्या नबील भाई, बाहर आ जाओ, अब तो मैंने गन भी लोड कर लिया है। भाई आ गया। अबे तू क्यों डर रहा है भाई? तुझे थोड़ी कोई मारूंगा, तू तो अपना जिगर है। तू बोल तो इसको मार दूं। बड़ी बेइज्जती करती है तेरी हर एपिसोड में ये। नहीं नहीं, मैं कहां जलील करती हूं भाई? अबे भाई तो मत बोल यार, खूबसूरत लड़कियां जो भाई बोलती है ना, बड़ी तपन चढ़ती है अपने। सॉरी भाई। चल भाई नबील भाई, बाहर चल के अपनी नई गाड़ी तो देख ले। मेरी गाड़ी आ गई है, चलो खूबसूरत गाड़ी देखते हैं। मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी आ गई। भाई वो गाड़ी मेरी है। अबे और क्या, तेरी है, अभी आगे आगे देखता जा क्या होता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे नबील, मुझे तो छुड़वाओ। भाई इस बाबे को छोड़ दे प्लीज। अच्छा भाई, जैसा तू कहता है, छोड़ दे भाई इसको, छोड़ दे। थैंक यू भाई। तू क्यों भाई बोल रहा है? मेरे बाप की उम्र का है तू, भाई सिर्फ ये बोलेगा। और बता, तुझे और क्या चाहिए? भाई वो ना वो। अबे साफ साफ बोलना, इस औरत से तुझे तलाक चाहिए। चल भाई तलाक दे इसके फौरन, चल। What? ओए ज्यादा अंग्रेजी में बात करने की जरूरत नहीं है मुझसे। क्यों? क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। चल तलाक दे इसे फौरन। भाई लेकिन तलाक क्यों? अबे तलाक नहीं होगी तो मैं अपनी बहन से शादी कैसे कराऊंगा तेरी? बहन से शादी? अबे हाँ ना, वो तुझसे शादी करना चाहती है, बहुत बड़ी फैन है तेरी। अब क्या करूं, मजबूरी है, वरना तुझ जैसे पे तो कोई थूके भी ना। भाई नबील क्या बकवास कर रहा है ये? कितनी बार तुझे कहा है कि इसकी बेइज्जती ना किया कर, जब जब तू इसकी बेइज्जती करती है टीवी पे वो देख के रोती है, और मैं अपनी बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता। मार दे, मार दे भाई पुत्र, मार दे इसको, गोली मार दे। तेरी बहन ने कहा था कि मुंह दिखाई में मैं तुझे ये दूं, हीरे की है, आराम से ख्याल रखियो, डेढ़ डेढ़ पाव का एक हीरा है। हीरे की अंगूठी? हाँ, पहन पहन। कैसी लग रही है जानो? भाई आपने इसे हीरे की अंगूठी दे दी? अबे तो क्या हुआ, हमारे घर में तो कुत्ते के गले में भी हीरा होता है। भाई कुत्तों के गले में हीरा पड़ा होता है तो एक हीरा मुझे भी दे दो। नहीं, तुझे कैसे दूंगा, तू कोई कुत्ता थोड़ी है। वाँ, वाँ। तू तो कमीना है। चल भाई बहन पहुंच गई है, उसको जाके लेकर आना है। अब तू भी तैयारी पकड़ ले, जहाज में निकाह पढ़ाऊंगा तेरा अपने जहाज में। भाई जहाज में निकाह? हाँ ना, और क्या, जहाज में निकाह और चांद पे हनीमून मनाइयो। ठीक है चलो मैं चलता हूँ। चल भाई मेला खत्म हो गया, चल। ओए पुत्र जमील, हमारी तो निकल पड़ी है, हम अमीर हो गए। देखा ना माँ जी, एक यही औरत मेरी कदर नहीं करती, वरना दुनिया की अमीर तरीन औरतें मुझ पर मरती हैं। नबील, अरे चुप करो, थूकता हूँ मैं तुम्हारे बाप की दी हुई खैरात पर। नबील ये तुम ठीक नहीं कर रहे। माँ जी दुबई चलने की तैयारी की जाए। वश वश है। अब मैं भी तैयारी करूँ? चुप। माँ जी करीब दो गई है, आ जाए। चले माँ जी चले। अरे रो मत खूबसूरत, ये नबील तो है ही घटिया आदमी। अरे वो किसी का नहीं है, सिर्फ पैसे का है, पैसे का। महमूद साहब, पापा ने नबील को पैसे क्या भेजने बंद किए, उसने तो मुंह ही फेर लिया। अरे दफा करो खूबसूरत, अरे ये भाई का भी दिमाग खराब हो गया। अगर इतने पैसे और अयाशियां वो मुझे ऑफर करे ना तो उसकी बहन से तो मैं भी शादी कर सकता हूँ। क्या? हाँ खूबसूरत, तुम्हारा घर बचाने के लिए मैं ये कुर्बानी दे सकता हूँ। महमूद साहब, यार नबील ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। चुप करे मुसलसल गरीब आदमी। हीरा देखा है कभी? देखें, और नियत नहीं लगानी, चटा के मार दूंगा। नबील चले चले भाई, चले चले गरीब आदमी चले। अरे नबील ये तो चले। नबील तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे क्यों नहीं कर सकता, बहुत जलील कर लिया तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे। तुम सचमुच शादी करके दुबई चले जाओगे? और नहीं तो क्या,
अपने ख्वाबों की शहजादी के साथ मैं बुर्ज खलीफा पर रहूंगा। भाई मुझे बुर्ज खलीफा पर फ्लैट लेके दे रहा है और तुम्हारे पापा जी ने मुझे बुर्ज खलीफा देखने का टिकट तक नहीं लेके दिया। ऐसा मत करो नबील, तुम्हारे नासुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला खूबसूरत। चलो उठो, मेरे कपड़े पैक करो, मेरे ख्वाबों की शहजादी आने वाली है। नबील शट अप। ओके, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। मामा, आर यू शट अप ना हो, आर यू यू हो। अरे मैं महमूद हूँ, तुम्हारा शौहर। क्या तुम्हारे बेटे की तरह तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है? आर यू ओल्ड चीप बुड्ढे पागल हो गई हो मोमो, तुम तीसरी शादी करोगी? हाँ तो कर लूंगी किसी भाई से। ते भाई से कौन शादी करता है मोमो? यू फैसला बाधी जुगस बास, मैं उस भाई की नहीं अंडरवर्ल्ड भाई की बात कर रही हूँ। हाय निकील, परमट भाई आ गया। निकील भाई आ गए, भाई आ गए, भाई आ गए, भाई आ गए। भाई अबे तू तैयार ही हो अभी तक? भाई ऐसे चलते हैं ना, कपड़े मैंने पैक कर लिए, जहाज में बदल लूंगा। अबे दुबई के सारे बड़े बड़े डिजाइनर मैंने बुक कर लिए तेरी शादी के लिए, गुची वुची अरमानी वर्साची सब आ रहे। भाई लेकिन वर्साची तो मर चुके हैं। अबे मेरे बुलाने पर आएगा, तुझे पता नहीं है भाई की दहशत का। दुबई चल फिर तुझे पता चलेगा। भाई देख ले मरवा मत दीजिएगा। अबे कैसी बातें कर रहे तू? अगर तू मर गया तो मेरी बहन मर जाएगी, और अगर मेरी बहन मर गई तो मैं मर जाऊंगा। नहीं 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 भाई, नहीं रोना नहीं है, रोना नहीं भाई। अबे तू जानता नहीं है मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। तू जैसे नीच के साथ उसकी शादी करा रहा हूँ उससे ज्यादा क्या सुकून दूँ तुझे। चल जल्दी कर। चल भाई पुत्र मैं तैयार हूँ, मैं भी चलूंगी। और ये कौन है? मैं मोमो हूँ, बुलबुले वाली मोमो। भाई ये मेरी माँ है, इन्हें भी साथ ले चलते हैं। ठीक है ठीक है, बहन की खिदमत करने वाली भी तो कोई होनी चाहिए। खैर है माँ जी, खैर है। यार नबील मुझे भी साथ ले चलो, मैं वहाँ तुम्हारा सामान उठा लिया करूंगा। मामू साहब जरूरत नहीं है, वहाँ मेरे पास बेतहाशा मुलाजम होंगे। क्यों भाई? हाँ बहुत बहुत। नबील प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं और चांदी तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? भाई मैं अपनी बीवी और बच्ची को साथ ले लूँ? तू ज्यादा ही फैल गया कुछ। अबे मैं अपनी बहन को खुशी देने के लिए ले जा रहा हूँ तुझे, टेंशन देने के लिए। भाई बहन से याद आया, बहन कहाँ है? अबे वो तेरी बहन नहीं मेरी बहन है। हाँ हाँ वही वही वही। रुक जा बुलाता हूँ। हाँ कल्लू लंगड़े, बहन को जरा प्यार से अंदर लेकर। चल बहन आ रही है, मुंह दिखाई तैयार है ना? हाय लो, मैं तो अपनी बहू को ना सोने की वो दूंगी। गोलियां? ओ यार आप लोग चले अंदर, अंदर चले। भाई हम बाहर चलते हैं, आप लोग रास्ता करें, अंदर चले। शाबाश 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 शाबाश, अंदर चले अंदर चले अंदर चले। भाई आपकी बहन की गार्ड आ गई, बहन नहीं आई। क्या बोल रहा है, यही तो मेरी बहन है शहजादी। कोकाफ की? तमीज से बात कर, ये मेरी बहन है। भाई आज से तो ये मेरी भी बहन ही है। क्या भैया, इसने मुझे बहन कहा, अब मेरा क्या होगा? तुमने मेरी बहन को रुलाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा।